भूगोल का ग्रह कार्य जो कि दिनांक 29 जुलाई 2021 को दिया गया है। इस ग्रह कार्य में टोटल 8 क्वेश्चन है, हम प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश में है? यहाँ आंसर लिखेंगे बांग्लादेश। सेकेंड क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा जन समूह किस महाद्वीप पर निवास करता है? आंसर लिखेंगे एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सन 2025 तक अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी? यहाँ आंसर लिखेंगे 781.8 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या प्रवास किस महाद्वीप में सर्वाधिक हुआ है? तो यहाँ आंसर लिखेंगे यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? आंसर लिखेंगे उत्तरी गोलार्ध में विश्व की 85% जनसंख्या रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2013 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? यहाँ आंसर लिखेंगे 714 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने की एक सूत्र लिखिए। तो यहाँ जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का एक सूत्र होगा, गणितीय घनत्व इक्वल टू किसी राष्ट्र या क्षेत्र की कुल जनसंख्या अपॉन संबंधित राष्ट्र क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल या जनसंख्या डिवाइडेड बाय कुल क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है? यहाँ आंसर लिखेंगे किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या में परिवर्तन की यह प्रक्रिया धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रारूप में हो सकती है, किंतु वर्तमान में विश्व के अधिकांश देशों में धनात्मक परिवर्तन का स्वरूप ही अधिक देखने को मिल रहा है। जनसंख्या वृद्धि को कुल संख्या अथवा प्रतिशत दोनों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जनसंख्या की कुल वृद्धि अथवा निरपेक्ष वृद्धि को ज्ञात करने के लिए विगत जनगणना वर्ष अथवा जनगणना की जनसंख्या को वर्तमान वर्ष अथवा जनगणना की संख्या में से घटाया जाता है और वृद्धि स्पष्ट की जाती है। तो ये था क्लास 12 की सब्जेक्ट भूगोल का कंप्लीट गृह कार्य। हम इसी तरह से अन्य क्लासेस, अन्य सब्जेक्ट्स के गृह कार्य भी देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे